हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो हम सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में देखने वाले हैं कि जीमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल अकाउंट पे और वहाँ पे सर्च करते हैं gmail.com google.com और उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको gmail.com सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद क्रिएट योर गूगल अकाउंट का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो तब वहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो क्रिएट योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, लाइक आपका नाम और आपका सरनेम। उसके बाद आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है, मतलब जो करना है वो, जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ KP7851। और अगर आपके जैसा किसी का यहाँ पे जीमेल होगा तो ये दूसरी बार लेने नहीं देता, ठीक है। तो कुछ अलग करके ही आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है, तो अगर आप पासवर्ड जो एंटर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और उसी पासवर्ड को फिर से वहीं पे एंटर करना है कंफर्म में, तो दो बार वो रिपीट हो जाता है वो कंफर्म करने के लिए कि क्या आपको याद है ना, इसलिए वो वहाँ पे दो बार मांगता है, ठीक है। तो पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सो पासवर्ड करना है तो सो पासवर्ड, अदरवाइज नेक्स्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के बाद, अगर ये रिकवरी ईमेल एड्रेस है वो ऑप्शनल है, तो करना है तो करिए, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद जेंडर यहाँ पे करना है, तो जो जेंडर हो आप कर सकते हो, बट बर्थडे जो करना है वो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मोबाइल में अगर आप ओटीपी से वेरीफाई करना चाहते हो तो करिए, अदरवाइज स्किप पे क्लिक करके एग्री कर सकते हो। अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद एग्री करके आप आगे जाइए, ठीक है। एग्री करने के बाद आपका ये जो जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको अगर मोबाइल नंबर से वेरीफाई आपको करना है तो आप कर लेना, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप सिंपली एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है।